नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जोधपुर रेलवेज यूट्यूब चैनल पर। तो आज का ये वीडियो होने वाला है राजस्थान की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के ऊपर। राजस्थान की दो अन्य वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह ये वाली वंदे भारत एक्सप्रेस भी हाई राइज पेंटोग्राफ से संचालित होगी और इंडिया में कुल तीन वंदे भारत हाई राइज पेंटोग्राफ से चल रही है। तीनों ही NWR जोन के पास है। तो मैं बात कर रहा हूँ उदयपुर से जयपुर के बीच संचालित होने वाली नई नवेली एकदम लेटेस्ट वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका की उद्घाटन 24 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा होगा और इसके कॉमर्शियल रन 25 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। कॉमर्शियल रन के लिए टिकटों की बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और इनॉग्रल रन में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, मीडिया और रेलवे ऑफिसर्स को ही ट्रेवल करने का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी दूसरा टिकट लेकर ट्रेवल नहीं कर सकता है इनॉग्रल रन में। इनॉग्रल रन 12:30 बजे शेड्यूल्ड है, पर इसमें डिले भी हो सकता है, जैसे जोधपुर साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस के टाइम पर हुआ था। और इनॉग्रल रन की कोई भी गारंटी नहीं है कि यह अपने शेड्यूल्ड टाइम पर जयपुर पहुंचेगी। तो दोस्तों, मैं इनॉग्रल रन के कवरेज के लिए जाने वाला था इस वंदे भारत में एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, लेकिन मेरे बिजी शेड्यूल की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो मैं इस बार उदयपुर जयपुर वंदे भारत इनॉग्रल रन को कवर नहीं कर पाऊंगा, जैसे लास्ट टाइम जोधपुर साबरमती वंदे भारत को किया था। तो चलिए बात करते हैं उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस के कॉमर्शियल रन के दौरान टाइम टेबल की और क्या फेयर्स होने वाले हैं उदयपुर से जयपुर और जयपुर से उदयपुर के बीच में। बात करते हैं पूरी तरीके से। तो कॉमर्शियल रन के दौरान यह टाइम टेबल रहेगा, उदयपुर से चलकर यह राणा प्रताप नगर, मावली जंक्शन, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, विजयनगर, अजमेर, किशनगढ़ होते हुए जयपुर जाएगी। पहले जो प्रपोज्ड टाइम टेबल आया था उसमें चित्तौड़गढ़ जंक्शन पर इसको हॉल्ट नहीं दिया गया था, बल्कि बाईपास से निकालकर चंदेरिया पर ठहराव था, लेकिन अब इसको चित्तौड़गढ़ पर हॉल्ट दे दिया गया है, चंदेरिया नहीं रुकेगी। तो यह ट्रेन उदयपुर से सुबह 7:50 पर रवाना होगी और दोपहर को 2:05 पर जयपुर पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन जयपुर से दोपहर को 3:45 पर रवाना होगी और रात को 10:00 उदयपुर पहुंचेगी। अजमेर और चित्तौड़ को छोड़कर सभी स्टेशनों पर 2-2 मिनट के हॉल्ट है। अजमेर पर 5 मिनट का हॉल्ट है क्योंकि यहाँ पर इसका क्रू चेंज होगा, यानी कि लोको पायलट और गार्ड चेंज होंगे। और चित्तौड़गढ़ जंक्शन पर इसको 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया है क्योंकि यहाँ पर इसका रिवर्सल होगा। तो अब आप ये सोचोगे कि ये तो ट्रेन सेट है, इसमें तो लोको होता ही नहीं है, तो फिर रिवर्सल कैसे होगा? तो मैं बता दूं कि रैक का रिवर्सल होगा और 10 मिनट का हॉल्ट इस वजह से है क्योंकि लोको पायलट जो कि आगे वाले कैब में होंगे वह पीछे वाले कैब में आएंगे और जो गार्ड होंगे वह पीछे वाले कैब से आगे वाले कैब में जाएंगे, तो उनको भी थोड़ा टाइम लगता है अपना बैग वैग पैक कर कैब चेंज करने में, तो इसलिए 10 मिनट का हॉल्ट है चित्तौड़ पर। तो चलिए अब बात करते हैं उदयपुर से जयपुर और जयपुर से उदयपुर के टिकटों की प्राइस की। टिकट बुकिंग IRCTC के ऑफिशियल ऐप पर स्टार्ट हो चुकी है, यदि कोई इंटरेस्टेड है तो वहां जाकर बुक कर सकता है अपनी टिकट। उदयपुर से जयपुर चेयर कार में जो टोटल अमाउंट होता है वह 1330 है। इसमें कैटरिंग चार्जेस इन्वॉल्व हैं क्योंकि गाड़ी 2:00 जयपुर पहुंचेगी, तो आपको लंच ट्रेन में ही सर्व किया जाएगा। और उदयपुर से जयपुर एग्जीक्यूटिव चेयर कार में टोटल प्राइस 2350 रुपये होता है, जिसमें कैटरिंग चार्जेस भी इन्वॉल्व है और चेयर कार से ज़्यादा प्राइस है, तो आपके लंच की थाली में वैरायटीज भी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो अब रिटर्न की बात करते हैं, तो जयपुर से उदयपुर नॉर्मल चेयर कार में 1275 रुपये होंगे। उदयपुर से जयपुर और जयपुर से उदयपुर में कैटरिंग चार्जेस में डिफरेंस आ रहा है, तो आपको जो डिनर सर्व होगा उसमें वैरायटीज में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। जयपुर से उदयपुर एग्जीक्यूटिव चेयर कार में 2300 रुपये किराया होगा, इसमें भी कैटरिंग चार्जेस में डिफरेंस आ रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आपके काम भी आएगी अगर आप ट्रेवल करना चाह रहे हैं उदयपुर जयपुर वंदे भारत में। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर से कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स को देखने के लिए।